हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, फाइनली ब्राइटकॉम ग्रुप में आज अपर सर्किट लग गया। जिन लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा उसमें मैंने कुछ कहा था, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। एंड आज अपर सर्किट क्यों लगा उसके कुछ रीजंस है, आइए जानते हैं क्या है रीजंस जिसके कारण आज स्ट्रांग अपर सर्किट लगा ब्राइटकॉम ग्रुप में, वो भी काफ़ी दिनों के बाद। तो जो सब लोग सुस्त पड़े थे, ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर लोग, सब में हलचल आ गई। सब ने दूसरे को फ़ोन या मैसेज किए होंगे, अरे भाई अपर सर्किट लग गया, अपर सर्किट लग गया। तो काफ़ी खुशी का माहौल होगा। आप में से काफ़ी लोगों ने आज बेचा होगा, आप में से काफ़ी लोगों ने ख़रीदा भी होगा। ब्राइटकॉम ग्रुप ने आज लो लगाया था 15 रुपीज़ 90 पैसे का, 16 रुपीज़ का समझ लो, और हाई लगाया 17 रुपीज़ का, और अपर सर्किट में क्लोज हुआ है। आज वॉल्यूम की बात करें तो करीब करीब 4 करोड़ 24 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। एंड डिलीवरी परसेंटेज है 51%। जी हाँ, एम ऑर्डर की बात करें तो एम ऑर्डर लगी हुई है 68,500 शेयर्स की बाइंग के लिए। तो फिर से एम ऑर्डर काफ़ी ठीक ठाक लगी है, हालांकि लाखों में नहीं है, थाउजेंड्स में ही है, पर लगी तो है, ठीक ठाक लगी हुई है, तो ये भी पॉजिटिव बात है। अब सवाल ये आता है कि अचानक आज क्या हुआ। सबसे पहली बात, जो लोगों को टेक्निकल समझ में आता है उन लोगों को पता, अगर आप चार्ट जाके देखोगे तो ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर आज ही नहीं कि कई बार पिछले बार भी 40 के RSI से बाउंस देता है। तो आज 40 के RSI को टच किया, जो कि 16 रुपीज़ पर था, और वहाँ से बाउंस लिया। तो टेक्निकल रीज़न वो भी एक था कि RSI काफ़ी करेक्ट हो चुका था, ओवरसोल्ड जोन में जा चुका था, तो इसीलिए वो एक रीज़न था टेक्निकली कि वो एक राइट टाइम था बाउंस लेने का। दूसरा, अगर आप चार्ट पे देखोगे तो काफ़ी बार 16 रुपये से ब्राइटकॉम ग्रुप ने पहले भी बाउंस लिया हुआ है, एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का काम 16 रुपीज़ का जो लेवल है वो करता है। तो टेक्निकली भी वो एक सही लेवल था, वहाँ से बाउंस लिया है। तीसरा रीज़न ये भी है कि ओवरसोल्ड हो चुका था ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर, काफ़ी दिनों से साइडवेज जा रहा था और काफ़ी मतलब थोड़ा सा एक सुस्त चल रहा था। तो ऐसा टाइम जो होता है इसमें जो इसको शेयर को उठाना आसान होता है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है और लोग हड़बड़ी में फिर बाइंग शुरू कर देते हैं। तो ओवरसोल्ड भी हो चुका था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी ऑपरेटर लोगों के लिए उसको उठाने के लिए। अब सवाल ये आता है कि आज इतनी बाइंग की किसने। फ्रेंड्स, ऑपरेटर लोगों ने क्या किया देखिए। आज एक जो टेक्निकल बातें थी, RSI का सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और ऑपरेटर लोगों ने क्या किया, 15 रुपीज़ 90 पैसे से उठाया और 17 रुपीज़ पर छोड़ दिया। एक ही दिन में उनको जो एक करोड़ों शेयर्स ट्रेडिंग होते हैं, 51% का डिलीवरी हुआ है। मतलब ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, नीचे से उठाते हैं, ऊपर ले जाके बेच देते हैं, और उनको पता है कि एक बार अपर सर्किट लगा तो रिटेल इन्वेस्टर कूद पड़ते हैं बाइंग करने के लिए। आप देख रहे होंगे दिन भर थोड़ा थोड़ा जो है पेंडिंग ऑर्डर कम हो रही थी, क्योंकि ऑपरेटर लोग क्या करते हैं, नीचे से उठाते हैं, स्ट्रांग अपर सर्किट लगा देते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा छोड़ते जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर बाय करते जाते हैं। तो ऐसा करके जो नीचे से उन्होंने इतना स्ट्रांगली करोड़ों शेयर उठाए हैं वो ऊपर जाके वो लोग बेच देते हैं एक ही दिन में। अगर आप डिफरेंस देखोगे तो करीब करीब 6.5-6.5% का प्रॉफिट ऑपरेटर लोगों ने आज ही निकाल लिया। और मार्केट में जो तेजी अभी चल रही है थोड़ा सा एक का देखिए, ये भी रीज़न है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी अच्छी तेजी थी, 1% से भागे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स, और ब्राइटकॉम ग्रुप इसी सेगमेंट से बिलोंग करता है। तो कहीं ना कहीं सभी शेयर भी आप देख रहे होंगे आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी शेयर भागे आज, तो उसका भी फ़ायदा इन लोगों ने लिया उस तेज़ी का, क्योंकि तेज़ी में सबको तेज़ी दिखती है। तो ऑपरेटर लोगों ने राइट टाइम पे उसको उठाया नीचे से और अपर सर्किट लगवा दिया, और काफ़ी जो माल था, काफ़ी होल्डिंग था, उन्होंने आज ही बेच के प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब वो तो काफ़ी माल बेच चुके होंगे, कल का सवाल ये है कि कल अपर सर्किट लगेगा या नहीं लगेगा। ये डिपेंड करेगा मार्केट के स्ट्रांगनेस पर भी। मार्केट बहुत ही स्ट्रांग रहा कल भी और तेज़ी में रहा, ब्रेकआउट पर है निफ्टी भी, अगर न्यू 52-week हाई को क्रिएट करने के कगार पर है। आज अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है, इलेक्शन के जो एग्जिट पॉल है वो है, GDP का डेटा वगैरह ये सब पॉजिटिव आया, अगर मार्केट बम्पर खुला तो हो सकता है कल भी सर्किट लगे, या कल हो सकता है कि बचा खुचा होल्डिंग जो उन्होंने ऑपरेटर लोगों ने पकड़ के रखा होगा वो कल बेचकर वो निकल भी सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा इसके ऊपर
मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि हो सकता है ऑपरेटर कभी भी उठा के इसमें सर्किट लगवा दे, और वो आज उन्होंने सर्किट लगवा दिया। कल के वीडियो में मैंने यही बात करी थी कि ऑपरेटर लोगों पे भी डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो अचानक उठाएंगे और सर्किट लगवा देंगे। कंपनी की ओर से अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है, पर अगर कल परसों में कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाती है तो और भी सर्किट लगातार चल सकते हैं। ऑपरेटर लोगों का ये भी इंटेंशन होगा कि इसका 20% का सर्किट लिमिट नहीं होना चाहिए, 5% का होना चाहिए, रहना चाहिए। ऐसा अगर इंटेंशन होगा तो हो सकता है कि वो बीच में अपर सर्किट लगवा कर उन्होंने, क्योंकि एक बार सर्किट लग गया 5% का तो फिर से इसका सर्किट लिमिट चेंज करने में डिले हो जाता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि उन्होंने आज बिना कोई बात के, बिना कोई न्यूज़ के एकदम अचानक उठाया और सर्किट लगवा दिया। बड़ा आशा करते हैं कुछ भी हो, बट इसमें सर्किट लगते रहे लगातार और शेयर ऊपर जाता रहे, यही आशा करते हैं। और मार्केट में अभी जो एक तेज़ी का माहौल बना हुआ है आज, हालांकि मार्केट थोड़ा सुस्त था कंपैरेटिवली, बट हो सकता है कल फिर से तेज़ी पकड़े तो हो सकता है उसका फ़ायदा लेकर और भी इसमें तेज़ी लाने की कोशिश ऑपरेटर लोग भी कर सकते हैं। और इसी बीच कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो और भी ऊपर जा सकता है, अभी तक तो कोई न्यूज़ आई नहीं है कंपनी की ओर से। तो इसीलिए ये जो 5-6-7 रीज़न थे जिसके कारण आज बैटको ग्रुप में हमें अपर सर्किट देखने को मिला। RSI सपोर्ट लेवल पर था, रेट भी सपोर्ट लेवल पर था, मिड कैप स्मॉल कैप में जो तेज़ी आई वो थी, ओवरसोल्ड हो चुका था और ऑपरेटर लोगों को आज अच्छा बेनिफिट मिल गया नीचे से उठा कर ऊपर बेचने का, तो ऑपरेटर लोग भी एक्टिव हो गए थे इसमें। यही सब मार्केट में भी जो एक तेज़ी का माहौल है, अभी भी एक बुलिश माहौल है, उन सब कारणों से आज इसमें अपर सर्किट लगा है। तो आशा करते हैं ये सर्किट लगातार चलता रहे। आपने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया होगा तो प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करते रहिए, और लॉन्ग टर्म के लिए रहा होगा तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।